किसान साथियों, क्या आप भी अपने प्याज के तने को मोटा एवं मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने बहुत सारे महंगे से महंगे खाद्यों का उपयोग भी कर लिया है, परंतु उनसे आपको इतना बेहतर रिजल्ट नहीं देखने को मिल पाया है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्याज के तने को मोटा एवं मजबूत कैसे बनाएं, क्योंकि प्याज का कंद तभी मोटा होगा जब उसका तना भी मोटा एवं मजबूत रहेगा। किसान साथियों, इसी प्रकार के टॉपिक पर मैंने एक वीडियो लहसुन के बारे में भी बनाया था, जिस पर कि हमारे किसान भाइयों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला था और उस वीडियो के द्वारा बहुत सारे किसान भाइयों को अच्छा परिणाम भी मिला। इसीलिए उस प्रकार का एक और वीडियो मैंने प्याज के लिए भी बनाया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कोई किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, वह वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें। चलिए वीडियो में बिना मुद्दे से भटकते हुए मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज एक कंदवर्गीय फसल है और कंदवर्गीय फसलों का तना जितना मजबूत है वो मोटा होगा, उतना ही मोटा उसका कंद भी बनेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको उसके तने को मोटा बनाना होगा और तने को मोटा एवं मजबूत बनाने के लिए आपको एक ऐसे खाद्य का उपयोग करना है जिसमें कि फास्फोरस की अधिक मात्रा हो, जैसे कि एनपीके 12:61:0, एनपीके 5:55:17 और एनपीके 14:48 जैसे खाद्य जिसमें कि फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है और फास्फोरस का मुख्य कार्य होता है कि तने को मजबूत एवं मोटा बनाना। तो आप इन खाद्यों का उपयोग जड़ के माध्यम से तथा स्प्रे दोनों के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जड़ के माध्यम से 8 से 9 किलो प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए तथा स्प्रे के माध्यम से 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आप भी अपने प्याज के पौधे को मजबूत एवं तने को मोटा बनाना चाहते हैं तो आपको इन खाद्यों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इन खाद्यों में फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फास्फोरस का मुख्य कार्य पौधे को मजबूत एवं तने को मोटा बनाने का होता है, तो आपको इनका उपयोग 60 दिन की अवस्था से लगाकर 80 से 90 दिन की अवस्था के अंतराल में करना चाहिए। किसान साथियों, अगर इसके अलावा आपका और भी कोई प्रश्न है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।